निगरान वफाकी वजीर की गुफ्तगू आपने सुनी। आगे बढ़ते हुए अहम खबर आपको दें कि 9 मई जलाओ घेराव का मामला अस्करी टावर केस में भी चेयरमैन पीटीआई को शामिल तफ्तीश करने का फैसला कर लिया गया है और ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम अटक जेल में उनका बयान कलमबंद करने के लिए अदालत से इजाज़त लेगी। आपको बताएं कि 9 मई के जलाओ घेराव का ये मामला है और इससे मुतालिक चेयरमैन पीटीआई को शामिल तफ्तीश करने का ये फैसला हुआ है। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा जीएनएन फयाज मलिक से। जी फयाज, क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से मजीद? अभी के साथ यहाँ 9 मई जलाओ घराव का मामले के हवाले से अस्करी टावर केस में भी चेयरमैन पीटीआई को शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया गया और इस हवाले से ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम अटक जाकर बयान कलमबंद करने के लिए अदालत से इजाजत लेगी। अस्करी टावर केस के लिए बनाई गई जीआईटी की सरबरा एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर है, जबकि एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर और दीगर मेम्बरान जो है वो अटक जाएंगे और 9 मई केस के हवाले से जीआईटी की जो है वो तहकीकात शुरू करेंगे। इस हवाले से हुकूमत ने जीआईटी टीमें भी तश्कील दे रखी हैं। थाना सर्वर रोड केस की जीआईटी के हेड इमरान किशोर डीएज इन्वेस्टिगेशन है, जबकि अस्करी टावर के लिए जीआईटी की हेड डॉक्टर अनुष मसूद चौधरी है। अदालत से इजाजत के बाद जीआईटी के मेम्बरान जो है वो चेयरमैन पीटीआई का बयान कलमबंद करने के लिए अटक जेल जाएंगे। जी सही, फयाज मलिक तफसीलात बता रहे थे आपका बहुत शुक्रिया।